बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक जी और आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी सब्जी का। नाज़रीन और सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं असगर अली, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ हैं अपनी आवाज़ के लिहाज से। और नाज़रीन और सामीन, आज मेरी इनसे अचानक मुलाकात हुई तो अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे ये शर्त बख्शा कि मैं इनके कलमात आप तक पहुँचाऊँ। नाज़रीन और सामीन, ये ज़िला कसूर के रहायशी हैं और एक शौक इनको अच्छा दराज से है, जिसकी वजह से आज मैंने जब इनसे पूछा तो मैं हैरान रह गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने इनको ताकत इतनी बख्शी हुई है कि ये 20-25 किलो की उठा के अपने गले में और अपने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान कर रहे हैं। तो नाज़रीन सामी, जब मैंने ये चीज़ चूंकि अमर सतु में देखी तो मुझसे रहा ना गया। कितने साल से ये काम कर रहे थे? आपका शौक था या गरीबी आपको इस मोड़ पे ले आई है कि आप ये इतना वजन उठा के गली गली सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुना रहे हैं? पहले शौक था जी। नाजरीन, बहुत ये मुझे बताते हुए एक अजीब सी चीज महसूस हो रही है कि जो अल्लाह पाक की जात की तारीफ करते हैं, जो सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, मुझे ये बहुत अफसोस हुआ सुन के असगर साहब के सर पे तो छत भी नहीं है। एक बार दिल जो है वो हिल के रह गया कि आखिर वो बंदा जो दर दर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान कर रहा है और उस बेचारे के पास रहने के लिए कुछ भी इंतजाम है। तो नाज़रीन सामीन, अब मैं आपके सामने ही इनके अखबार वगैरह इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, कि जो बाल बच्चों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन सामीन, उनकी एक बेटी भी है जिसको डाइवोर्स हुआ है और उनके जो बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी, चार बच्चे हैं इनके, वो भी जिम्मेदार, यही जिम्मेदारी असगर अली साहब ने पा रहे हैं। जी असगर साहब, आपका अपना कोई घर नहीं है? नहीं सर, कोई अपना घर नहीं है। सोरे नहीं छाते उत्ते मैं बांसा में मेरे ना छपरा बना के कराया है, जेडे मेरे महलेदार ने सारे बैंक स्टाफ के कोल बलोचानी गली के बिच शेखाली गली एक बजती बलोचानी गली राजनाई चौक बनता है, उहदे विच सर रह रहे हैं। आप देख सकते जिन्हों जी हो गए सोरे की छाते ते सर छपरा पा के बैठा और मेरे तो इस सुभाव जित बार चाहती है तो जो बिस्रम दे बच्चे भी आ भी ना वही तक मेरा बारिश पी जिससे मेरे पीछे कर। नाज़रीन सामीन, हम जिनके इस तरह के हमारे पास हर चीज है, हमारे पास आप लोगों के पास अल्लाह पाक की ज़ात में हर चीज दी हुई है, उसके बावजूद जब बारिश आती है तो हम अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि जब बारिश आती है तो इस गुरबत खाने को भी देख लिया करें, इस भाई को भी देख लें। नाज़रीन सामीन, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह का शख्स जो असल हकदार है उसकी मदद कीजिए ताकि वो अपना अपने बाल बच्चों का वो पेट पा सके। और रहायश के लिए मेरी यही वजीर अला पंजाब उस्मान गुलजार साहब से और हमारे खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस गरीब बंदे का सहारा बना, कमोबेश इसको रहने के लिए चार दीवारी और एक सर के ऊपर छत प्रदान कीजिए। देखते हैं। तो नाज़रीन सामीन, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनकी भरपूर मदद कीजिएगा। अभी आपको ये चंद अशआर नाथ के सुनाएंगे।
उस नबी की शान विच बयान कर रहे हैं ना दे जिंदी शान विच अल्लाह ताला ने आख्या कि ऐ नबी तैनू पैदा ना करता दुनिया की कोई चीज पैदा नहीं सी Ah!
ਸਰ ਫਕਤ ਇਹ ਪਸੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਿਆਣਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੋਲ ਗਿਆ ਸੀ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो नजर आ रहा है ये भाई मोहम्मद असगर साहब का आप इनसे रब्ता करें और हसब तफीक इनकी मदद करें और उस बंदे की आप मदद कर रहे हैं जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर शहर शहर जिला जिला जो है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खुदा ताला की तारीफ बयान कर रहा है।